ये हम इस बच्ची का पीटीए कर रहे हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा ऑडियोमीटर है, ये ऑन हो गया है, टोन को प्रेजेंट किया गया है। उसको अभी भी नहीं सुना, नाइन्टी डेसिबल पे इसको एक कान से सुना, दूसरे से नहीं सुना। एक ही कान में टोन दी गई थी इसलिए दूसरे कान से नहीं सुना। दूसरे कान में हम टोन प्रेजेंट करेंगे तो दूसरे कान से रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि मास्किंग की जाती है। नहीं सुना, बच्ची रिस्पॉन्स बता रही है कि कहां से हमें आवाज आई है, कौन से कान से आई है, कभी इस कान से कभी उस कान से इसको टोन दी जा रही है ताकि ये बच्चा रिस्पॉन्स करे, क्योंकि बड़ा बच्चा है, ये रिस्पॉन्स कर सकता है। ये पीटीए एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें सब्जेक्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा इस पे रिस्पॉन्स नहीं करता तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट एएसएसआर या बेरा करवाया जाता है। मेरे साथी किशन सरोज इस बच्ची को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग डेसिबल के टोन इसके अलग अलग ईयर में दे रहे हैं, कभी राइट ईयर में कभी लेफ्ट ईयर में। तो बच्ची इस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है, पहले 500 फ्रीक्वेंसी पे, फिर 750 और 1000-1500 उसका एवरेज लिया जाता है। अब हमने जो इस मेथड से किया तो इसको एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो अब हम इसको बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड भी इसका चेक करेंगे, जिसको मस्टाइड बोन से डायरेक्टली कंपन देकर इसको देखा जाता है कि बच्चा मिक्स्ड हियरिंग लॉस का है या बच्चा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का है या बच्चा कंडक्टिव हियरिंग लॉस का है। ईयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड अगर हियरिंग लॉस दिखाता है और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड अगर नॉर्मल दिखाता है तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। तो ये बोन कंडक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया है, बंद करवाइए। मेरे साथी किशन जी, पीटी का जो ये ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर को ऑपरेट कर रहे हैं और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड ले रहे हैं बच्चे से। ये एक कान का कंप्लीट हो चुका है, ये मस्टाइड बोन से लिया जाता है, इसमें कान का पर्दा फटा है या ओसिकल्स नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा डायरेक्ट कोक्लिया में जाती है आवाज़। ये तो इस प्रकार से ये दूसरे कान से भी इसका थ्रेशोल्ड लिया जा रहा है भिन्न भिन्न इंटेंसिटी पर और भिन्न भिन्न फ्रिक्वेंसी पर इसको लिया गया है। और ये हमारा पीटीए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये हमें ऑडियोग्राम बना कर देंगे इसका एवरेज लेकर के किस कान में कितना लॉस है, एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड कितना है और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड कितना है। लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम प्रस्तुत होंगे नया वीडियो लेकर। नमस्कार।